वालेकुम जी। आज मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट तरह की एंटीक गन्स जो थी उनके बारे में। सबसे पहले मेरे पास जो सबसे छोटी गन थी मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फ्लिंट लॉक गन है। फ्लिंट लॉक इसलिए कहते थे कि इनके पीछे यहाँ पे फ्लिंट डलता था और इस तरह का सेटअप होता था ऐसा जैसा ये है। यहाँ से मैंने स्टार्ट इसलिए लिया कि ये सबसे छोटी गन है। इस तरह का फ्लिंट होता था, वो स्ट्राइक करता था इसको और अब गोली चलती थी। ये वो मोस्टली जिन्होंने भी ये गन रखी होती थी वो इनको छुपा के रखते थे अपने हाथ में इस जगह पे या अपनी जेब में। पॉकेट पिस्टल भी कहते थे इसको। इसके पीछे ही आप अगर वो से दिखा सकें तो ये दो शॉर्ट्स हैं और उनकी साइड पे EIC लिखा हुआ। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मार्क है इसमें। ये मेरे पास सबसे छोटी गन कलेक्शन है। इसका बस एक डैमेज हो गया, ये वाला जहाँ पे फ्लिंट होल्ड होता था इस तरह का, ये फ्लिंट टूट गया इसका। ये पहली डैमेज था जब मुझे मिला था, तो ऐसे ही था। ब्लैक पाउडर से चलती थी ये, ऊपर से इसमें डालते थे, छोटी सी गोली होती थी वो ऊपर से डाल के बारूद से लोड करते थे और फिर इसको यहाँ पे करके तो ये एक्टिव रहती थी। जब आप इसको पीछे से लोड करते थे ट्रिगर को तो ये ऑटोमेटिकली ये जो ट्रिगर है ये बाहर आ जाता था ऐसे। ये ट्रिगर बाहर आ जाता था और फिर आप ट्रिगर से फायर करते थे जब इसको पीछे करते थे। इसके ऊपर खैर ये कंपनी है जोन्स कंपनी है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जोन्स और ये कंपनी का नाम था और कंपनी का एड्रेस इस साइड पे लिवरपूल। नॉर्मली जो है ये सिटी का सिर्फ लिखा हुआ है। नॉर्मली मैंने गन्स ऐसी भी देखी हैं जिसमें नंबर 20 या नंबर 10 उनका जो एड्रेस हाउस नंबर होता था डोर नंबर वो भी लिखा होता था। ये गन जो है ये एंड ऑफ 18th सेंचुरी है, मोस्टली जो चली ईस्ट इंडिया कंपनी की 1793-1780 से लेके 1800 तक। इसके बाद फिर हमारे पास परकशन कैप गन्स आ गई थी, ये वाली इस तरह की, ये परकशन कैप होती थी। परकशन कैप का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, वो यहाँ पे परकशन कैप डालते थे, इसको पीछे करते थे ट्रिगर को, स्ट्राइक करते थे और वो लोड होता था। डिफरेंट तरह के गन्स के सिस्टम थे। सबसे अर्लीस्ट मैं बताता हूँ, सबसे पहले जब गन्स बनी थी 16th सेंचुरी में भी यूज हुई, 15th में भी चाइनीज ने यूज की, वो थी मैच लॉक गन चलती थी। एक रस्सी होती थी, रस्सी पे आग लगाते थे और जिस तरह कैनन फायर होती है इस तरह से वो फायर करते थे, वो मैच लॉक गन थी। मैच लॉक के बाद उसके जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी थी वो थी व्हील लॉक। एक इस तरह का सेटअप होता था, मैकेनिज्म उन्होंने बनाया था जिसको चाबी की तरह चलाते थे और जब छोड़ते थे या चलानी होती थी ट्रिगर दबाते थे तो चाबी सर्कल करती थी, वहां से आग निकलती थी, शोला और ब्लैक पाउडर वो लगता था, चलती थी वो। तो खैर उसके बाद फिर आगे फ्लिंट लॉक, ये वाली टेक्नोलॉजी, ये ब्लेंडर बस गन है। इसे ब्लेंडर बस इसलिए कहते हैं, बड़ी यूनिक साइज का फेस है, आप आगे से देखेंगे तो ये बड़ा यूनिक साइज का फेस होता है, चौड़ा सा। इसको ब्लेंडर बस बोलते थे क्योंकि इसके अंदर हर गेज की गोली उस दौर में चल जाती थी, क्योंकि स्पेशल इसकी गोली नहीं भी मिली तो किसी और गेज की गोली है वो भी इसमें डाली और चल गई। ये फ्लिंट लॉक ब्लेंडर बस है, ये फ्लिंट होता था, इधर एक पत्थर डलता था, उसको ऐसे लोड करते थे पीछे और वो स्ट्राइक करता था। अभी शायद ये चलाना तो बुरी बात ही है, बच्चों ये ऐसे चलता था, स्ट्राइक करता था, चिंगारी निकलती थी और गोली निकलती थी, ये फ्लिंट लॉक था। फ्लिंट लॉक के बाद जो टेक्नोलॉजी थी वो परकशन कैप के बाद जब ये एंड हुआ टेक्नोलॉजी तो इसके बाद आपके पास अभी गोलियां आ गई, कारतूस, जिसके ऊपर ये 1857 की जंग आजादी भी हुई थी कि कारतूस उन्होंने चमड़े के ऊपर बनाए थे, तो वहां से फिर ये जंग आजादी स्टार्ट हुई कि भाई ये चमड़े कारतूस हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। खैर ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी थी। सबसे छोटी गन मेरे पास ये कलेक्शन में फ्लिंट लॉक और सबसे बड़ी आपको मैं दिखाता हूँ अभी। आए आपको मैं सबसे बड़ी गन दिखाता हूँ, ये सबसे बड़ी गन है मेरी, ये है मैच लॉक सिस्टम पे, ये 17th सेंचुरी की है, मिड 17th सेंचुरी। इसे ये मैच लॉक सिस्टम में चलती थी, है ये कैनन भी कहते हैं इसको। ये माउंट होती थी, इसके ऊपर एक स्पाइक होता था ये बड़ा सा, अगर आप दिखा सके तो ये वाला, ये माउंट होती थी कैमल के ऊपर या एलिफेंट के ऊपर
और उसको बैठाते थे और फिर इसको फायर कर सकते थे। ये एक तरह से कैनन भी है और लॉन्ग रेंज गन भी थी, इसको कहते हैं कैमल गन कहते हैं लॉन्ग। ये मैच लॉक टेक्नोलॉजी की, और ये मेरे पास जो कैनन है ये भावलपुर की है, भावलपुर नवाब की। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है GCSI नवाब साहब का नाम और डेटेड है। मोस्टली ये कैनन बनती थी लंदन ब्रिज की टावर की एंड ऑफ 18th सेंचुरी या मिड ऑफ 18th सेंचुरी में। इसके ऊपर भी मार्क्स हैं मगर अब क्योंकि एज हो गई है इसलिए ये खत्म हो गए, मार्क्स मिट गए हैं। बाकी जो भावलपुर का नाम था वो भी लिखा हुआ है। इसके साथ तो पेयर था मेरे पास एक, वो पेयर एक और कलेक्शन थे वो ले गए मेरे से। ये सबसे बड़ी गन और सबसे छोटी गन मैंने आपको वो दिखाई। बस ये आप समझेंगे, सबसे पहले मैच लॉक, फिर उसके बाद व्हील लॉक, फिर फ्लिंट लॉक, फिर परकशन कैप, और फिर उसके बाद आपके पास आजकल जो आप गोलियां यूज करते हैं 30 बोर 12 बोर, उसके बाद सबसे आखिरी टेक्नोलॉजी वो हुई थी। ये डिफरेंट गन्स की टाइप थी जो आपको दिखानी थी। आपको थोड़ी सी और कलेक्शन दिखाते हैं बीच में। ये कथा डैगर है, सिख अपने दौर में यूज करते थे इनके साथ। देखते हैं तो ये भी परकशन कैप गन यूज करते थे, ये बहुत कम आते थे, रेयर थे उनमें। साथ ही गन्स भी दो लगी हुई है इसमें, देखें आप अगर ऐसे देख सके तो। ये एज अ थ्रस्ट डैगर भी काम करता था, और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसमें दो गोलियां भी चला सकते थे, ये ऐसे चल परकशन कैप के तौर पर यूज होता था। सबसे लास्ट टेक्नोलॉजी ये डबल बैरल है, और मिड वाली जो है वो फ्लिंट लॉक ऊपर भी लगी हुई है डिफरेंट कलेक्शन में। इस गन में जो इसका बोर होगा फ्लिंट लॉक का, सिर्फ वो ही चल सकता था, क्योंकि आपके ब्लेंडर बस के अंदर जो है वो डिफरेंट बोर सारे चल सकते थे। सर मैं आपको एक चीज खत्म, बड़े मजे की है मेरी क्वेश्चन में है भी, वो गन लोड कैसे करते हैं, कि ये किस तरह से लोड होता था। गोलियां तो मेरे पास नहीं है, अभी पड़ी हुई, एक पड़ी थी शायद में चली गई। इनको लोड करने का सिस्टम होता था, गन पाउडर उनके पास पड़ा होता था। ये विक्टोरियन पीरियड का ब्रिटिश, इसके अंदर गन पाउडर होता था। अब ये मेजरमेंट इसके ऊपर स्केल, यहाँ पे अगर आप दिखा सकें तो स्केल बना हुआ। अब जितना आपने डालना है इस पर जरूरत, जितना दूर गोली लॉन्ग रेंज चलानी है तो उसकी अपनी थी, शॉर्ट रेंज की अपनी थी। इसको ऐसे किया, अंदर गन पाउडर डाला, फिर बुलेट डाली, फिर इसके बाद रैम रॉड कहते थे, रॉड होता है जिसको गन्स की जुबान में रैम रॉड कहते हैं। वो रैम रॉड से लोड किया, उसके बाद थोड़ा सा गन पाउडर इधर डाला इस जगह पे, ताकि जब ये फ्लिंट लग के चिंगारी निकले तो वो जो इधर पड़ा हुआ वो आग पकड़े, और फिर मेन पाउडर जो प्राइमर था उसको आग लगे गोली चले। तो ये कुछ कलेक्शन थी मेरे पास, मैं वो दिखाना चाह रहा था। ये विक्टोरियन पीरियड है, इससे पीछे चले जाए तो हमारा जो इस रीजन इंडिया पाकिस्तान का जो रीजन था ईरान का, इसमें ये कजर पीरियड था, ये चमड़े का बना हुआ, ये होगा 18th सेंचुरी का। ये इसे आप देख सकते हैं, ये ऊपर से डैमेज हो गया, इसके ऊपर इसी तरह का एक सिस्टम लगा होगा उस दौर में। ये सॉलिड अब चमड़ा बन गया था, ये पर्शियन कजार पीरियड है। इससे पीछे चले जाएं तो ये सफवी पीरियड है, 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी का। ये हॉर्न में बना हुआ, नीचे आइवरी का सेटअप है, और इसमें भी सेम इसी तरह के, इसको प्रेस करते थे, ये चीज प्रेस करते थे तो उसका फेस आप देखेंगे ओपन हो जाएगा। तो इसको ऐसे पकड़ते थे इस तरह करके, जितना गन पाउडर डालना वो डाला गन के अंदर। यह आप एग्जाम्पल थे इसी के अंदर, इसके अंदर ऐसे करके डाला, और फिर उसके बाद शॉट जो था उसका जो बुलेट थी वो डाल गया, और उसके बाद तो ये डिफरेंट पीरियड है। इसको आप कह लें 300 साल पुराना, ये ऑलमोस्ट 200 साल पुराना कजर पीरियड का, और ये विक्टोरियन पीरियड या जॉर्जियन पीरियड जो था उसमें ये ब्रिटिश पीरियड, ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद, गोरों के बाद हमारे रीजन में ये यूज हुआ इस शेप में। डिफरेंट होता था, डिजाइनिंग बनती थी हंटिंग के लिए और वॉर के लिए। ये विक्टोरियन पीरियड का गन पाउडर फ्लास्क है। खैर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कोई और सवाल हो तो लिंक में जरूर पूछिएगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास एक्स्ट्रा हो तो जरूर बताइएगा।